चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मिलती रहे आपको लेटेस्ट रेसिपी अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, चैनल दस्तर खान की रौनक में आज हम बनाएंगे चीज़ी गार्लिक ब्रेड। इसको बनाने के लिए मैंने 7 से 8 गार्लिक लिया है और इसको मैंने छील लिया है, इसको मैंने छील कर धो लिया है। अब हम इसको दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको चॉप भी कट कर सकते हैं। इसको जाने बस हम एक हाथ ही चलाएंगे। ये देखिए, ये दरदरा सा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और यहाँ मैंने 40 ग्राम बटर लिया है, ये अनसॉल्टेड बटर है। इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये मिक्स हो गया है। बस 2 चुटकी नमक डालेंगे इसमें हम, 2 चुटकी चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिक्स करेंगे एक बार और अच्छे से। ये मिक्स हो गया है। अब हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे। इसके ऊपर हम तैयार किया हुआ गार्लिक और बटर लगाएंगे। सब और अच्छे से हम इसको स्प्रेड कर देंगे। दूसरी वाली ब्रेड के स्लाइस पे भी हम लगा लेंगे। अगर आपको गार्लिक थोड़ा कम पसंद है तो आप सिर्फ एक ही ब्रेड के स्लाइस पे गार्लिक बटर लगाइएगा और एक सिंपल रहने दीजिएगा। अब एक पीस पर हम मोजरेला चीज डालेंगे ग्रेट की हुई। दूसरा ब्रेड का साइज उठाएंगे, इसको हम रखेंगे, कवर कर लेंगे। इसको अब हम सेक लेंगे पैन में। पहले हम ऊपर भी थोड़ा गार्लिक बटर लगा लेंगे। अगर आपको गार्लिक नहीं पसंद है तो आप सिंपल बटर भी लगा सकते हैं, सादा बटर। इसको हम पैन में सेकेंगे, ऊपर से भी बटर और गार्लिक लगा लेंगे। पलट देंगे। ये देखिए, दूसरी साइड भी हम सेक लेंगे। ये तैयार हो गया। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। तैयार है हमारा चीज़ी गार्लिक ब्रेड। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये शाम के स्नैक्स में काफ़ी अच्छा लगता है चाय के साथ। बहुत ही इजी इसको बनाना, बस 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। काफ़ी इजी रेसिपी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।